Hello, friends, welcome. Welcome to this presentation from Rising Power. I'm your host, आपके दोस्त रॉय. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सीरीज नंबर 4, जिसकी टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये है हमारी सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 4. आज दोस्तों हम देखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसके ऊपर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें नॉर्मली आ सकती है, उन क्वेश्चंस को हम कैसे करके हैंडल करते हैं. आप देख रहे हो दोस्तों, वी आर कॉलिंग दिस वन. सो होपफुली वी आर गोना डू अ फ्यू मोर सवाल जवाब प्रेजेंटेशंस ऑन ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. नाउ चलिए दोस्तों, बिफोर वी गेट इन टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी विल डू अ वेरी क्विक रीकैप. नाउ आप देखोगे दोस्तों, लाइक सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर. नाउ पहली बात यह है दोस्तों, ईच लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वन यूनिक स्ट्रेट लाइन. आपको मालूम है दोस्तों, जब कभी हमें एक लीनियर इक्वेशन दी जाती है और उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हमने हमारी पिछली एपिसोड्स में देखी है कि हाउ एवरी लीनियर इक्वेशन बेसिकली इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, हमें मालूम है दोस्तों देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. और हमने ये भी देखे दोस्तों, एवरी सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन. सो जब कभी आपको एक लीनियर इक्वेशन दी जाती है, आप उसकी व्हेन यू ड्रॉ अ ग्राफ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, एंड हर एक सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन इट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन. थर्ड पॉइंट यह है दोस्तों, एवरी पॉइंट ए बी दैट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन. And then, so that x equals a and y equals b, that is a solution of the linear equation. So those these two points are kind of related. So यहाँ पे हमने कहा every solution of linear equation lies on straight line, और यहाँ हम कह रहे हैं every point that lies on the straight line is actually a solution of the linear equation. So अगर हम randomly कोई भी एक point लेते हैं, मान लीजिए a b on that straight line, then a b actually will satisfy the linear equation, and so a b is a solution of the linear equation. Now the final point also that we want to make is this: any point that does not lie on the straight line, it does not satisfy the linear equation, and so it is not the solution or root of the linear equation. So jaise ki hum kehte hain dosto ki every point that lies on the straight line is a solution, similarly dosto by the same logic, every point or any point that does not lie on the straight line is not a solution of the linear equation. So दोस्तों, these are some of the things that we wanted to talk about. कि हमें ध्यान में रखनी है जब कभी हम बात करते हैं equation in two variables and a straight line. Now दोस्तों, we are going to take some examples and see now how this works out. Now दोस्तों, so किस type की questions आ सकती है on this? So one of the most straightforward questions that you will see is simply आपसे कहा जाएगा draw graph of a linear equation. So आपको एक equation दी जाएगी like this. So in this case दोस्तों हमने ली है x plus 2y equals minus 3. यह है हमारी equation और हमें simply कहा गया है draw the graph of this equation. Now दोस्तों, हमने हमारी पिछली episodes में we have seen how to draw the graph. तो हम क्या करते हैं दोस्तों, first of all हमें मालूम है जब कभी मान लीजिए आप straight line draw करते हो, आपको दो पॉइंट चाहिए. कोई भी स्ट्रेट लाइन, द मिनिमम नीड इज दैट वी नीड टू पॉइंट्स. हर एक स्ट्रेट लाइन इट पासिस थ्रू एटलीस्ट टू पॉइंट्स. सो दोस्तों, नाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द टू पॉइंट्स? सो एक चीज है दोस्तों, देर इज अ शॉर्टकट मेथड. वो है कि आप मान लीजिए आप लेते हो x इक्वल जीरो एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, राइट? एंड देन आप लेते हो y इक्वल्स टू जीरो, that will give you a value of x. So दोस्तों, आप quickly you can do this and आपको दो points मिल जाएंगे, right? This will actually give you यहाँ पे you will get x equal to 0 and you will get some value for y, and यहाँ पे you will get a value of x and यहाँ पे y होगी 0. So ऐसे करके दोस्तों, you can find two points. Now but कभी कभी दोस्तों, actually more often than not, you want to have a third point.
एंड वाई थर्ड पॉइंट, आप देखोगे दोस्तों जब कभी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो ग्राफ पेपर के ऊपर, अगर आपके पास दो पॉइंट है, आप यू कैन ऑलवेज यूज योर रूलर और आपकी जो स्केल है, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट हम इसलिए सजेस्ट करते हैं दोस्तों, दैट गिव्स यू अ कॉन्फर्मेशन कि मान लीजिए अगर आपके पास एक और पॉइंट हो जाती है यहाँ पे, या फिर मान लीजिए प्रेफरेबली आउटसाइड कहीं पे अगर ऐसे करके यू हैव वन मोर पॉइंट, सो दोस्तों दिस विल जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एबल टू, आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलती है कि हाँ आपकी जो लाइन है दैट इज इंडीड अ स्ट्रेट लाइन। नाउ हमने दोस्तों देखी है एक चीज, लेट अस ऑल्सो रिकॉल कि कैसे करके हमने देखी है दोस्तों सिस्टमैटिकली हमें अगर सॉल्यूशन चाहिए, हम हाउ डू वी फाइंड इट, राइट? सो लेट अस क्विकली गो बैक एंड टेक अ लुक एट इट। सो हमने देखी है फ्रेंड्स कि सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज दिस, वी रीराइट द इक्वेशन सो दैट वी हैव वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। चलिए हमें अगर ऐसे करके दी जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सो हम क्या करते हैं, हम वाई को वी राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो एक्स बन जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई इज देन डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। सो जैसे करके अगर आप एक्स चेंज करते हो वैल्यू ऑफ वाई चेंजेस। ना अगर हमें दो सोल्यूशन चाहिए, चार छः आठ जितनी सोल्यूशन चाहिए, हम उतनी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी सारी वैल्यूज लेते हैं। सो वी टेक एज मैनी वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स एज वी नीड एंड फाइंड आउट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वाई। सो हर एक उस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई एंड ईच एक्स वाई कॉम्बिनेशन इज अ सोल्यूशन टू आर लिनियर इक्वेशन। हमने देखी है दोस्तों दिस फ्रॉम आर अर्लियर एपिसोड्स। नाउ चलिए लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन एट हैंड। सो क्वेश्चन हमारी ये है कि एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स माइनस थ्री। सो एक काम करते हैं दोस्तों, वॉट वी कैन डू इज अगर हम सिस्टमैटिकली से सॉल्व करना चाहते हैं, सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। हमें दी गई है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री, सो इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, चलिए लिखते हैं टू वाई इक्वल टू यू हैव माइनस थ्री। अभी ये एक्स को दोस्तों हम इस तरफ लेके आते हैं, सो वी विल गेट माइनस एक्स। सो दिस मीन्स अगर अभी दोनों साइड्स को हम टू से डिवाइड करते हैं, वी विल गेट माइनस थ्री माइनस एक्स बाई टू। सो दोस्तों ये है हमारी नाउ इक्वेशन। सो बेसिकली हमने लिखी है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, अभी एक्स की हम जितनी वैल्यूज ले सकते हैं फॉर ईच ऑफ दोज वैल्यूज हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। सो एक काम करते हैं दोस्तों, चलिए लेट अस स्टार्ट विथ, आपको मालूम है दोस्तों हमने ये भी देखी है पहले कि जब कभी इन आई थिंक वन ऑफ आवर सवाल जवाब प्रेजेंटेशन, जब कभी हमें सर्टन नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, आई थिंक इट वॉज सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर टू, अगर हमें मान लीजिए चार या पाँच या छः जितनी वैल्यूज चाहिए, वॉट वी स्टार्ट आउट विथ, हम लेते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, देन वन माइनस वन टू माइनस टू, ऐसे करते करते हम वैल्यूज लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एंड फॉर हर एक वैल्यू के लिए वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वाई। सो दोस्तों ना हमें मालूम है हमें हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ, सो हमें रियली वी नीड टू मिनिमम पॉइंट्स, राइट? सो एक काम करते हैं, चलिए पहले लेते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों? सो इक्वेशन में एक्स को जीरो डालते हैं, सो वी गेट माइनस थ्री माइनस जीरो बाई टू। सो यहाँ से दोस्तों हमें मिलती है सो माइनस थ्री बाई टू। नाउ एक चीज़ आप नोटिस करोगे दोस्तों, नॉर्मली जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इट विल बी नाइस इफ यू गेट इंटीजर, राइट? सो अगर हमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, राइट? सो दोस्तों ये अच्छा रहेगा अगर हमें इफ़ यू फाइंड आउट इंटीजर वैल्यूज फॉर बोथ एक्स एंड वाई, क्योंकि वैसे होने से ग्राफ में प्लॉट करने के लिए वो हमें इट विल बी वेरी कन्वीनियंट, वो बहुत आसान हो जाएगी। नाउ अगर ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यूज है दिस विल बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो चलिए लेट अस एक काम करते हैं, नाउ लेट अस टेक एक्स इक्वल्स वन एंड सी व्हाट हैपेंस। अगर एक्स को वन लेते हैं दिस टाइम, सो चलिए यहाँ पे सो वी हैव माइनस थ्री माइनस वन टू। सो अभी ये जो है माइनस थ्री माइनस वन है माइनस फोर टू, सो टू टूज ऑफ फोर, सो ये बन गई आपकी माइनस टू। सो यहाँ से दोस्तों हमें एक वैल्यू मिलती है, बेसिकली एक्स है वन वाई है माइनस टू। अभी एक काम करते हैं दोस्तों, नाउ वी वॉन्ट टू टेक एक्स इक्वल्स माइनस वन। अगर हम एक्स को माइनस वन लेते हैं, सो वी हैव माइनस थ्री माइनस, अभी एक्स है माइनस वन बाई टू,
सो ये बन जाती है दोस्तों -3, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2। सो ये है दोस्तों -3 प्लस 1 बनती है -2/2 विच इज इक्वल टू -1। सो अभी दोस्तों दिस गिव्स अस अ वैल्यू, एक्स है -1 एंड वाई है -1। सो दोस्तों यूजिंग दीज टू वैल्यूज, इस वैल्यू को एंड इस वैल्यू को हम हमारी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बट जैसे दोस्तों वी आर डिस्कसिंग कि कॉन्फर्मेशन के लिए वी वॉन्ट टू गेट वन अदर पॉइंट। ना आप एक चीज नोटिस करोगे दोस्तों यहाँ पे, नाउ नॉर्मली वॉट वी वॉन्ट टू डू इज वी वॉन्ट टू एक्चुअली नाउ गेट एक्स इक्वल टू 2। बट आप एक चीज नोटिस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, अगर आप एक इवन नंबर लेते हो एक्स के लिए, राइट, इफ यू टेक अ इवन नंबर और आप उसे यहाँ पे डालते हो, देन क्या होगी दोस्तों, द न्यूमरेटर विल बी ऑड नंबर, बिकॉज 2, 4, 6 जो भी आप डालोगे न्यूमरेटर विल बी ऑड नंबर, उसे डिवाइड करने से यू विल अगेन गेट अ फ्रैक्शन लाइक दिस। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स इक्वल टू 2 दोस्तों काम करते हैं, लेट अस टेक एक्स इक्वल टू 3। एंड एंड फ्रेंड्स दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू अप्लाई एज यू गो अलॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इक्वेशन जो आपको दी जाती है आपको ये देख समझ के यू हैव टू अप्लाई, राइट। सो चलिए अगर एक्स इक्वल टू 3 लेते हैं, सो वॉट वी गेट इज हमारे पास यहाँ पे है -3 माइनस, अभी एक्स है 3 एंड नीचे है 2, सो 3 - 3 इज -6/2, सो वी गेट -3। सो यहाँ से दोस्तों वी गेट एक्स है 3 एंड वाई है -3। सो दोस्तों एट दिस पॉइंट व्हाट वी वांट टू डू इज हमारे पास अभी 3 वैल्यूज हो गई हैं ना, आपको मालूम है दोस्तों व्हाट वी डू इज दैट, हमने देखी है हमारे पिछले वेबिसोड्स में कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं व्हाट वी डू, हम ऐसे करके एक टेबल बना लेते हैं एंड टेबल में ऐसे करके वी ड्रॉ अ लाइन एंड हम ऊपर एक्स लिखते हैं नीचे वाई लिखते हैं और हर एक सॉल्यूशन को हम ऐसे करके यहाँ पे लिखते हैं। सो इन दिस केस वी हैव 3 सॉल्यूशंस, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। और एक काम करेंगे दोस्तों, व्हाट वी विल डू इज, चलिए 1, 2 एंड 3, लेकिन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी दोस्तों हम ये जो एक्स इक्वल टू 0 है एंड वाई इक्वल टू -3/2 है इसे भी लिख लेंगे। सो एक काम करते हैं, लेट अस मेक 4 सच सेल्स। सो चलिए द फर्स्ट वन लिखते हैं, अगर एक्स 0 थी यहां पे, वाई थी -3/2, देन हमने देखा x1, y थी -2, देन हमने देखी अगर x -1 है देन y है -1, देन हमने देखी अगर x3 है देन y थी -3। ना आप एक चीज नोटिस करोगे दोस्तों, बिफोर वी जंप इन टू ड्रॉ द ग्राफ, एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो आपको देखनी है दोस्तों इज दैट ग्राफ कैसी रहेगी, मतलब कि मान लीजिए दोस्तों अगर हम ऐसे करके कोऑर्डिनेट एक्सेसेस ड्रॉ करते हैं, एंड दोस्तों दिस इज समथिंग आप रफ में कर रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग आप ग्राफ पेपर में कर रहे हो, आपकी गोल ये है दोस्तों आप जानना चाहते हो विल द ग्राफ गो लाइक दिस, विल द ग्राफ गो लाइक दिस और विल द ग्राफ गो समथिंग लाइक दैट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट कि आप कोऑर्डिनेट एक्सेसेस कैसे करके ड्रॉ करोगे। एंड द बेस्ट वे टू फाइंड दिस दोस्तों इज दैट ये एक्स जीरो की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू एंड वाई जीरो एंड एक्स की वैल्यू। सो यहाँ से हमें दिखती है दोस्तों अगर एक्स जीरो है तो वाई -3/2 है, इसका मतलब है एक्स जीरो मतलब यहाँ पे एंड वाई -3/2 मतलब दोस्तों एक पॉइंट आपके इट विल बी समवेयर हियर, राइट। ये जो पॉइंट होगी आपकी दिस विल बी एक्चुअली एक्स जीरो एंड वाई -3/2 समवेयर यहाँ पे रफली। एंड दोस्तों एक जो पॉइंट हमने नहीं देखी है, अगर वाई जीरो होती है सो वॉट इज द वैल्यू, अगर वाई को आप जीरो डालते हो देन एक्स इज -3, राइट। सो यहाँ पे अगर आप वाई को जीरो डालते हो इस इक्वेशन में, सो देन एक्स बन जाती है, सो 2 टाइम्स 0 इज 0, सो एक्स इक्वल्स माइनस थ्री। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज दिस गिव्स अस आइडिया ऑफ हाउ वेयर द स्ट्रेट लाइन विल बी गोइंग। सो वाई जीरो एक्स माइनस थ्री का मतलब है अगर आप एक्स माइनस थ्री आते हो यहाँ पे समवेयर हियर मान लीजिए, सो देन यहाँ पे एक्स है -3 वाई है 0, सो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है दोस्तों फॉर दिस दिस विल गो लाइक दिस। सो ये जो हमारी इक्वेशन है इसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इट विल गो लाइक दिस। सो दोस्तों दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस गिव्स अस अ आइडिया
कि हमें ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उन्हें कैसे करके ड्रॉ करनी चाहिए। सो चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस डू वन थिंग, लेट अस क्विकली गो हेड एंड प्लॉट प्लॉट दिस ग्राफ। ना हमने दोस्तों पिछले एपिसोड्स में आपको दिखाई है कि कैसे करके ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू टू मच डिटेल, बट आप ऐसे करके दिस टाइम प्लॉट करोगे बिकॉज आपको मालूम है यू हैव -30, यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड आपकी अदर पॉइंट इज समवेयर गोइंग टू बी हियर, राइट? सो आपकी जो लाइन है इट विल गो समथिंग लाइक दिस। ना दोस्तों हमने यहाँ पे वी हैव ड्रॉन द ग्राफ फॉर यू, सो दिस इज योर ग्राफ। सो दिस इज योर ग्राफ, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों, सो ये है आपकी एक्स एक्सिस, एक्स 0, एक्स डैश, एंड ये है आपकी वाई, वाई डैश, राइट? और ये है आपकी स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। सो आपने देखा दोस्तों, नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, सो ये जो हमारी पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट है, एक्स है -3, वाई है 0। नाउ ये वाले जो पॉइंट है दोस्तों, दिस पॉइंट, सो ये दिस वन -3, 0 इज आर दिस पॉइंट। नाउ इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, इसे ऊपर लिखते हैं, ये वाली पॉइंट है, एक्स है -2, सो -1 -2, एंड वाई है दोस्तों, सो दिस इज लाइक -1.5। सो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको दिखाई है वन ऑफ दीज वैल्यूज जो कि आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, एंड देन दोस्तों हमने ये देखा कि दिस पॉइंट इज योर एक्स है -1, वाई है -1, एक्स है -1, वाई है -1, राइट? यहाँ से आप 0 से -1 जाओगे फॉर एक्स, एंड -1 आप यहाँ पे आते हो, सो ये है -3, 0, दिस पॉइंट इज -1 -1, एंड देन सिमिलरली दोस्तों वी हैव वन अदर पॉइंट यहाँ पे, विच इज ये वाली पॉइंट, मान लीजिए दिस पॉइंट, विच इज नाउ एक्स है 1 एंड वाई है -2, ये है एक्स है 1 एंड वाई है -2। सो हमने देखा दोस्तों, वी एक्चुअली हैव आर यहाँ पे हमने वी हैव टेकन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट टू ड्रॉ आर स्ट्रेट लाइन, एंड दोस्तों यहाँ पे लाइन के ऊपर यू नॉर्मली विल राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो इन दिस केस बेसिकली आप लिख सकते हो, यू कैन राइट द ओरिजिनल इक्वेशन, और यू कैन बेसिकली राइट, हम जैसे करके यहाँ पे लिख रहे हैं, -3 टाइम्स एक्स बाई 2, यू कैन राइट इट दिस वे, और यू कैन बेसिकली राइट, ये है दोस्तों आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन, और यू कैन जस्ट राइट द लीनियर इक्वेशन जो कि आपकी है, एक्स +2y इक्वल टू -3, दे आर वन एंड द सेम, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप दो एंड दो साइड्स में यू विल पुट द टू एरोस, एंड आप आपके पॉइंट्स को ऐसे करके यू ड्रॉ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। सो दोस्तों ये हो गई आपकी ड्रॉइंग एन इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।